से नियंत्रित अर्थ, धर्म से नियंत्रित काम अगर ये नियंत्रित रहे तो बिना कुछ किए चतुर्थ पुरुषार्थ आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता था। कलयुग का आधार अवलंबन भगवान नाम स्मरण था। शशांक शेखर प्रलयंकर भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन हुआ तो मंथन से कालकूट विष निकला, अनेक रत्न निकले, लेकिन शशांक शेखर प्रलयंकर भगवान शिव राम नाम का अवलंबन लेकर कालकूट विष का पान किया, उनके गले में वो विष गया, उनका नाम नीलकंठ हो गया। तो आज जो समाज में विष व्याप्त है, कहीं भ्रष्टाचार का विष, कहीं घोटालों का विष, कहीं चरित्रिक पतन का विष, कहीं देशद्रोहियों का विष, कहीं हमारे सैनिकों पर पीट पीट कर अलगाववादी देशद्रोही मार देते हैं, कहीं बेगुनाहों का कत्लेआम होता है, ये समाज में अनेक तरह के जो विष व्याप्त हैं, उन विषों से बचने के लिए एकमात्र सशक्त माध्यम है भगवान नाम स्मरण। भगवान का नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग का आधार अवलंबन भगवान नाम स्मरण है। कागबुसुंडी कौआ थे, जामवंत भालू थे, हनुमान जी महाराज बंदर थे, महात्मा गांधी एक संत और नेता भी थे, और रसखान मुसलमान थे, हनुमान जी महाराज बंदर थे, हर लोग और भगवान शिव भी राम नाम का अवलंबन लेते हैं। इसलिए राम का अवलंबन, राम कहो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, उड़ने को विमान मिलेगा, जो चाहो राम नाम से आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हो। और नाम के प्रभाव से सबसे बड़ा काम, अगर 15 मिनट पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री, 11वां मन को एकाग्र कर गुदस्ती और तिकस्ती के मध्य से मूलाधार से जब प्रहार करते हैं, जैसे लोहार या सोनार अपनी कसौटी पर रखकर सोना चांदी को गर्मा कर उस पर घात प्रतिघात करता है, तो मनुष्य अपने मूलाधार में गुदस्ती और तिकस्ती के मध्य से जब अष्टांग योग का साधना का प्रहार करता है, तो उसकी सुसुप्त पड़ी कुंडलनी सत चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्र दल कमल में जाकर स्थित होती है, तो यदि पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड रूपी आपके शरीर में है, विश्व ब्रह्मांड के 14 भुवनों में क्या है। जैसे आप मोबाइल के माध्यम से आप नंबर डायल करते हैं, विश्व ब्रह्मांड की स्थितियों को कैच करते हैं, बात करते हैं, तो योग के योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति का निरोध कर साधना के माध्यम से जो चाहे आप अपने इस जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। ग्रंथकार लिखते हैं, दुर्लभो मानसो देही देहि नाम क्षण भंगुरम, तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आखिर मानव जीवन का औचित्य है क्या, इसका वैशिष्ट है क्या, आखिर इसमें श्रेष्ठ है क्या। ग्रंथकार भी लिखते हैं पौराणिक व्यास जी, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम देवानुग्रह हेतुकम, ये तीन चीजें दुर्लभ हैं। लेकिन अगर हम दृष्टि पर विचार करें तो मनुष्य की दृष्टि सीमित है, और हमारे यहां मांस खाने वाला गीद की दृष्टि असीमित और अपार है। गीद राज सुन आरत बानी, या गिद्ध ही दृष्टि अपार, मतलब हमसे दृष्टि में श्रेष्ठ मांस खाने वाला गीद है। रूप और सौंदर्य के क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर पर आजकल लोग जा रहे हैं। ब्यूटी पार्लर के बाद जब निकलेंगे और 48 घंटा बीतने के बाद जब साबुन लगाए तो फिर जो कहते हो, लेकिन चतुर्भुज भगवान के मुकुट पर मोर पंख शोभायमान है, राम या कृष्ण के मस्तक पर मोर शोभायमान है। तो सौंदर्य के क्षेत्र में
ग्रंथकार को लिखना चाहिए था दुर्लभो मोरो देही, मतलब हमसे श्रेष्ठ तो मोर है क्योंकि उसके पंख का कलर मोर से अलग होने के बाद भी परिवर्तन नहीं होता। मनुष्य का चमड़ा मरने के बाद ले कहेंगे प्रेत हो जाएगा जल्दी श्मशान ले चलो, मतलब मरने के बाद हमारा चमड़ा भी काम नहीं आता, लेकिन मृगा जिसको भी शिकारी को न्यायालय ने सजा दिया जोधपुर कोर्ट ने, मृगा उस मरने के बाद भी उसकी खाल काम आती है। तो ग्रंथकार को लिखना चाहे दुर्लभो मृगो देही, हमसे चमड़ी में श्रेष्ठ मृगा है, या दुर्लभो बकरी या भेड़ो देही, क्योंकि बकरी और भेड़ के चाम से नाल हारमोनिया तबला ढोलक बनता है। एक ताल तीन ताल सारे गामा पदनी सानी धपम वगैरह संगीत वाले उसमें स्वर ताल निकालते हैं। तो हमसे श्रेष्ठ ये पशु हैं, और कहते हैं मनुष्य कहता है हम श्रेष्ठ हैं। क्या श्रेष्ठ हो जिसको मनुष्य गंदगी करता है सुअर खा जाता है, जल में आप गंदगी करोगे मछली खा जाएगा आपकी गंदगी को मुर्गी मुर्गा, लेकिन मनुष्य मुर्गा को खा जाए मुर्गी को खा जाए मछली को खा जाए सुअर को खा जाए, मतलब इनसे भी गया गुजरा इंसान है आज दुनिया में। इसलिए हम आपको जगाने के लिए आए हैं, उत्तिष्ट जागृत प्राप्त बरान निबोधक, ये जागिए और अपने को पहचानिए। कस्त्वम कोहम कुतया याता को में जननी को में त्राता, हम कौन है कहां से आए हैं, और जो जीवन है जंगल से एक पक्षी पकड़ कर लाओ पिंजड़े में रखो काजू किशमिश बादाम पूरी कचौड़ी खिलाओ और खिड़की खुली नहीं कि वो पक्षी जंगल में चला जाएगा चाहे भूखो मरे। तो इस शरीर रूपी पिंजड़े में नौ खिड़कियां अहर्निश खुली हुई हैं, आत्मा रूपी जीवात्मा इसमें रह रहा है, तो रहने को आश्चर्य है। यही आश्चर्य है कि रोज लोग मर रहे हैं लेकिन दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन एक दिन मरना पड़ेगा। मरने का मतलब जीव और ब्रह्म का ऐक्य। जैसे आप नौकरी करोगे, नौकरी के बाद हाजिरी होगी, वेतन बनके जब ऑफिस में जाएगा तो पेमेंट आपको मिलेगा। तो मनुष्य के जीवन का जो कर्म है पाप और पुण्य जो संचित, मतलब अस्तोमा सतगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मित्तोर्मा अमृतम गमय, मतलब जीव और ब्रह्म के जो मिलन का है जीवन का काट सत्य अगर कोई है तो मृत्यु है। दुनिया का कोई आदमी उसको झुठला नहीं सकता। जातस्य धो मृत्यु धो जन्म मृतस्य चा, जिसका जन्म उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु उसका जन्म। इसलिए मृत्यु से घबराना नहीं, और जन्म लेकर कुछ ऐसा कर्म करो कि समाज और राष्ट्र के लोग, जिसका लोक अच्छा उसका परलोक भी अच्छा। इसलिए लोक में अच्छे काम करो, सब लोग मिलजुल कर रहो, यज्ञ का वैज्ञानिक यज्ञ का पौराणिक और यज्ञ का धार्मिक, इनकी चर्चा